प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी। छल कपट है धर्म के धोतक, वेद शास्त्र बतलाता है। धर्म युद्ध की मांग जहाँ हो, छल धर्म बन जाता है। छल धर्म को भाता है। प्रेमी सज्जनों, छल करना पाप माना गया है, छल को अशुभ माना गया है, अहितकारी माना गया है। लेकिन छल यदि धर्म के अनुकूल किया जाए, धर्म की रक्षा के लिए किया जाए, धर्म रक्षार्थ किया जाए, तो वह छल धर्म का ही रूप हो जाता है, धर्म के ही को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्रेमी सज्जनों, भगवान राम भी सुग्रीव के बड़े भाई बाली को मारने के लिए छल का सहारा लिए। उन्होंने बाली को मारने के लिए पेड़ की ओट में छिप करके बाण चलाया, जिससे बाली की मृत्यु हुई। ये धर्म युद्ध की मांग थी, क्योंकि यदि वो सामने से युद्ध करते तो वो बाली को मार पाना असंभव था। और महाभारत के युद्ध में तो योगेश्वर कृष्ण ने जितने भी कौरवों के सेनापति थे, भीष्म पितामह हुए, गुरु द्रोण हुए, जयद्रथ हुआ, और उसके बाद में कर्ण हुए, उसके बाद में दुर्योधन हुए, सबको छल का ही सहारा लेना पड़ा। क्योंकि भीष्म पितामह को मारने के लिए छल शिखंडी के रूप में लिया गया। शिखंडी को अर्जुन अपने आगे खड़ा करके बाण चलाए, और जब शिखंडी को देखते हैं भीष्म पितामह तो हाथ में से धनुष बाण रख देते हैं, और शिखंडी पर वह बाढ़ चलाना उचित नहीं समझते हैं भीष्म पितामह। जिस प्रकार से अर्जुन मौका पा करके भीष्म पितामह पर बाढ़ चलाते हैं और वे ज़मीन पर धराशायी हो जाते हैं। और इसी तरह से गुरु द्रोणाचार्य को भी युद्ध में मार पाना असंभव था, वध करना असंभव था। इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करके उनको सामने उनके पुत्र की मृत्यु अश्वत्थामा का झूठी खबर सुना करके उनको युद्ध से विरत कर दिया गया। धनुष बाण वे रख देते हैं, और इस प्रकार से धृष्टद्युम्न द्वारा गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है। और आगे कर्ण का भी नाम आता है, छल के द्वारा ही कर्ण भी मारा जाता है। क्योंकि कर्ण जब अर्जुन से युद्ध करता है तो उसके रथ का पहिया ज़मीन में धर जाता है, और पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है। उसी समय वह जब वह पहिया निकाल रहा होता है कर्ण, तो अर्जुन धनुष से बाण चढ़ा करके उसको मार देते हैं, वध कर देते हैं। और इस तरह से जयद्रथ का भी वध होता है। प्रेमी सज्जनों, जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं यदि शाम तक सूर्यास्त के पहले यदि जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं चिता में बैठ जाऊंगा। तो सूर्यास्त करने के लिए योगेश्वर कृष्ण ने माया का सहारा लिया, महामाया का सहारा लेकर के, योग माया का सहारा लेकर के सूर्य को छिपा देते हैं, बादलों की ओट में छिपा देते हैं। तो इस प्रकार से जयद्रथ अर्जुन के सामने आ जाता है, और अर्जुन जयद्रथ को मार पाने में सफलता प्राप्त करते हैं। इस तरह से अर्जुन जयद्रथ का वध करते हैं। और अंत में दुर्योधन का भी नाम आता है। दुर्योधन भी छल के द्वारा ही मारा जाता है, क्योंकि युद्ध में ये नियम बनाया गया था, जंघा के नीचे गदा प्रहार करना वर्जित था। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है तो उसमें दुर्योधन हमेशा भारी पड़ता है, लेकिन भीम ने भी जंघा दुर्योधन का तोड़ने का वादा किए थे, प्रतिज्ञा किए थे। तो याद दिलाते हैं कृष्ण जी कि जंघा के नीचे प्रहार करने के लिए। तो जंघा पर जब भीम प्रहार करते हैं तो दुर्योधन धराशायी हो जाता है। इस प्रकार से दुर्योधन के भी मृत्यु हो जाती है। प्रेमी सज्जनों, छल यदि धर्म के लिए किया जाए, धर्म की रक्षा के लिए किया जाए तो छल धर्म बन जाता है। छल का उपयोग कभी भी अधर्म के लिए नहीं करना है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना है, धर्म का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना है। इस प्रकार से प्रेमी सज्जनों, छल के बहुत से रूप हैं। छल सही अर्थों में धर्म के लिए ही किया जाना चाहिए। प्रेम सज्जनों, वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें।